दोस्तों वो कहते हैं ना, उम्र के तकाजे पे इश्क की जवानी है, सफ़ेद बाल का आना तो तजुर्बे की निशानी है। तो भैया ये बात उनके लिए तो सही है जिनकी उम्र 35 से 40 साल हो रही है, उनके सफ़ेद बाल आएँ तो बात अच्छी लगती है कि तजुर्बे की निशानी हो रही है। लेकिन अगर 30 साल से पहले ये तजुर्बा आ जाए तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। तो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि 20, 25, 30 साल के नौजवानों के बाल सफ़ेद आ रहे हैं। इवन कि मैंने कुछ टीनएजर्स को भी देखा है जिनके वाइट हेयर्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ इसके पीछे के लॉजिक्स। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आप जान जाएंगे कि क्या रीज़न है और क्या आप कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। पहला पॉइंट है साइंस। हम लोग साइंस थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है, बालों के पीछे की क्या साइंस है। नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता चलेगा आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे, तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है और क्या आप गलती कर रहे हो इसमें। नंबर 4 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि आपके सफ़ेद बाल भी वापस ब्लैक हो जाएं। 5th पॉइंट में आपको बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है। 6th पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि क्या पॉसिबल है और किस एज तक पॉसिबल है आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो वापस से काले बालों में कन्वर्ट हो जाएं। सबसे पहले साइंस से शुरू करते हैं। देखिए इससे इसके पीछे छोटी सी साइंस है। जो बाल हैं हमारे वो केराटिन नामक एक प्रोटीन से बने होते हैं और ये प्रोटीन कलरलेस होता है। तो इनको कलर कौन देता है, इनको कलर देता है मेलानिन। ये मेलानिन मेलानोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेलानोसाइट सेल्स आपके केराटिन को कलर देते हैं, जैसे ब्लैक, ग्रे, गोल्डन, ये कलर देना इनका काम है। तो होता क्या है, जब मेलानिन अपनी प्रोडक्शन स्लो कर देता है तो ये मेलानोसाइट्स के सेल्स बनने बंद हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, जिसके कारण आपके जो ब्लैक हेयर हैं वो पहले ग्रे और उसके बाद वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आखिर हो क्यों रहा है, क्यों आ रहे हैं लोगों के सफ़ेद बाल कम उम्र में, तो इसके पीछे 4 कारण है। नंबर 1 जेनेटिक्स, मतलब जीन्स। अगर आपके दादाजी या आपके पिताजी के भी इस उम्र में बाल सफ़ेद आ गए थे तो समझ लीजिए आप यहाँ पे सिर्फ 2% ही आपके लिए चॉइस है, 2% चांसेस हैं आपके बाल वापस से ब्लैक हो जाए, क्योंकि आपके जीन्स ही ऐसे हैं। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि कलर ही लगा सकते हैं। नंबर 2 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट देखिए, अगर आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या बहुत पोल्यूशन वाली सिटी में रह रहे हैं या आप धूप में फिर रहे हैं या आपकी कोई काम क्रिया, दिन की काम क्रिया कुछ ऐसी है कि आपको जाना पड़ता है कुछ ऐसे एटमोसफेयर में जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या धुआं है, तो ये इन्वायरमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। नंबर 3 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सही होना आपका बहुत ज़रूरी है। इसकी पूरी डिटेल मैं अभी दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये एक चीज़ आप समझ लीजिए। हम लोग अगर देखें जिन लोगों के सफ़ेद बाल आ रहे हैं, वो एक बार सिर्फ ध्यान से देखें, फोकस करें और सोचें कि आप लोग खा क्या रहे हैं। आप लोग अगर सुबह नाश्ते में परौंठे खा रहे हैं तो आपको परौंठे में मिल क्या रहा है, आपको परौंठे में फैट मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटीन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है। न्यूट्रिशंस कहाँ हैं आपके, आपके विटामिंस कहाँ हैं। शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग तो वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो वेजिटेबल्स भैया अगर आप कुक कैसे करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुकर में विसल दिला देते हैं उसको, तो आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशंस आप वहीं पे किल कर देते हो, आधे से ज़्यादा विटामिंस आपके विसल दिलाने से ही किल हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचिए और जितना हो सके अपनी डाइट में ग्रीन वेजेस या सैलड को ऐड कीजिए, या आप बॉयल वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, ताकि आप जो अपने आप को दे रहे हो उसके न्यूट्रिशंस फुल आपके अंदर आएँ। नंबर 4 कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर आप दिन बहुत ज़्यादा करते हैं या कम भी करते हैं, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको एक बार छोड़ के देख लेना चाहिए। अभी न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही डाइट लोगे तो हो सकता है आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो वापस से ग्रे हो जाएं, ग्रे से ब्लैक हो जाएं। तो ये बात याद रखिएगा, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज इस वीडियो में मैं 7 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो नंबर 1 प्रोटीन। देखिए प्रोटीन अगर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर बंदे की, वो है कि अपने वेट के मुताबिक, अगर आपका वेट 50 kg है तो 50 kg के मुताबिक मल्टीप्लाई बाय 1, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको 50 g प्रोटीन खाना चाहिए अगर आपका वेट 50 kg है। अगर 80 kg है तो 80 g खाना चाहिए। अगर आपके सफ़ेद बाल आ रहे हैं तो आपको इस प्रोटीन को मल्टीप्लाई बाय अपने वेट से मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना चाहिए। यानी अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको कम से कम 75 g प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो हो गया प्रोटीन। नंबर 2 आपको जिंक ज़्यादा लेना चाहिए। मतलब आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें जिंक ज़्यादा हो, क्योंकि आपके नेचुरल जितना जाएगा वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा। तो जिंक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गार्लिक। अपनी डाइट में गार्लिक ऐड कीजिए। सुबह कोशिश कीजिए खाना खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ी सी पीस के कोशिश कीजिए खाली पेट लेने की, बहुत इफेक्टिव होगी। और इसके अलावा मशरूम, केल, ब्रोकली या एवोकाडोस को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 है आयरन। आयरन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये मेलानिन की प्रोडक्शन को फास्ट करेगा। तो आयरन में आप क्या खा सकते हैं, रेड मीट, एग, फिश, अगर वेजिटेरियन है तो वाइट बीन्स, डार्क चॉकलेट, डेट्स, वाटरमेलन, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आप गूगल करके देख सकते हैं, आप ऐसे ही कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नंबर 4 कॉपर। आपको कॉपर ऐड करना चाहिए। और कॉपर आपको किस में मिलेगा, रेड मीट में कॉपर ज़्यादा होता है, और इसके अलावा जो एनिमल के ऑर्गन्स होते हैं उसमें, जैसे कलेजी, पोटा कलेजी, ये वो, इसमें ज़्यादा होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नट्स खाइए,
सीड्स खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, या इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट खाइए, उसमें भी कॉपर बहुत ज़्यादा होता है। आपको बताऊँ डार्क चॉकलेट, बेनिफिट्स ऑफ डार्क चॉकलेट पे मैंने एक स्पेशल एक वीडियो तैयार किया था, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और उसके इतने फ़ायदे हैं आप खुद हैरान रह जाएंगे। नंबर 5, कैल्शियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कैल्शियम किस में मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, दूध, दही, चीज़, सब में कैल्शियम भरपूर होता है, तो कैल्शियम लें। इसके अलावा अंजीर में कैल्शियम भरपूर होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बेनिफिट्स ऑफ अंजीर, बेनिफिट्स ऑफ फिग, आप हैरान रह जाएंगे उसके फायदे जान के। नंबर 6, B12। आपको B12 लेना चाहिए। B12 किस में मिलेगा? ये ज़्यादातर नॉन वेज में मिलता है, जैसे मीट, फिश, एग्स, या फिर एनिमल के ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा B12 होता है, जो कलेजी होती है उसमें बहुत ज़्यादा B12 होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 आपको मिलेगा चीज़ में या मिल्क में। तो अगर किसी ने साथ में वेट लॉस भी करना है तो वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता है, इसके जगह फिर आप सप्लीमेंट पे जा सकते हो, मल्टी विटामिन्स ले सकते हो। और 7वां जो न्यूट्रिशन आपका वो है विटामिन डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर योर हेयर ग्रोथ एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर योर मेमोरी, फॉर योर बोन, फॉर योर स्ट्रेंथ। तो ये आपको किस में मिलेगा? ये मिलेगा एग योक में, जो अंडे का पीला हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है विटामिन डी, वो ले सकते हैं आप। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मशरूम ले सकते हैं, मशरूम में D2 विटामिन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा चीज़ ले सकते हैं, चीज़ में भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गए 7 न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। अभी बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या एफर्ट्स आप लोग कर सकते हैं खुद की तरफ से कि आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो वापस से ब्लैक होने शुरू हो जाएं। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप हैंड स्टैंड कर सकते हैं। हैंड स्टैंड अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मुझे मालूम है ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे मंदिर गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं ना, वैसे उस पोजीशन में जैसे माथा टेका, उस पोजीशन में 30-35-40-50 सेकंड तक आप होल्ड रखिए। तो ऐसा करने से आपके सर में ब्लड फ्लो तेज़ी से जाएगा, और जब ब्लड फ्लो तेज़ी से जाएगा तो आपका मेलानिन प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा, तो ये आपके जो सफ़ेद बाल हो चुके हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप काले बालों में। लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा नहीं करना आपको, ऐसा ना हो कि आप 3-3 मिनट शुरू हो गए, आप 2-2 मिनट शुरू हो गए, तो इससे आपकी आँखों में ब्लड उतर आएगा, आँखें लाल हो जाएंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना, मिनिमम 30 सेकंड से 50 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, और ऐसा दिन में 3 से 4 बार कीजिएगा। तो दूसरा एफर्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सर की मसाज कीजिए, इसमें ऑयलिंग कीजिए, और 10-15-20 मिनट तक कर सकते हैं आप लोग। इससे भी आपके सर में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, और मेलानिन अपनी प्रोडक्शन फास्ट कर देता है। अभी बात करेंगे आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ आप ऐसी चीज़ें कर रहे हों, या ऐसी चीज़ें खा रहे हों, या ऐसी चीज़ें लगा रहे हों जिसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों और आपको पता भी नहीं चल रहा है। नंबर 1, टू मच अल्कोहल। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, मतलब आप हफ्ते में 2 बार पी रहे हैं, 3 बार पी रहे हैं, तो इसको हफ्ते में 1 बार कीजिए, बेस्ट रहेगा 15 दिन में 1 बार कीजिए, उससे भी बेस्ट रहेगा महीने में 1 बार लीजिए या ओकेजनली लीजिए, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा अगर आपके सफ़ेद बाल आ रहे हैं या ग्रे बाल आ रहे हैं तो। नंबर 2, कैफीन। अगर आप टू मच कैफीन ले रहे हैं, डेली 2 कप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो इसके कारण भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। नंबर 3, केमिकल वाले शैम्पू। हो सकता है आप ऐसे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण आपको आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों, तो उस शैम्पू को बदल के देखिए, कोशिश कीजिए नेचुरल चीज़ों में आने की। नंबर 4, रिफाइंड शुगर। अगर आप रिफाइंड शुगर डेली यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चेंज करके देखिए, आपको हो सकता है फ़र्क दिखे। नंबर 5, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है जिसके कारण आपके मेलानिन की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है और वो मोनोसाइट सेल्स जो है वो कम रिलीज़ करता है। नंबर 6, एसिडिटी। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए इसको ठीक करने की जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है। नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं कि क्या सफ़ेद बाल वापस से कन्वर्ट होकर ब्लैक हो सकते हैं या नहीं। बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो ये बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आप मेरे बताए हुए सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बशर्त है आपके जीन्स ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आपके जीन्स में ऐसा है, आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि आपके दादाजी को भी उसी एज में हो गया था, छोटी उम्र में सफ़ेद बाल आ गए थे, और आपके पिताजी के भी आ गए थे, तो सिर्फ 2% चांसेस बनता है, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कैसे? जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उन पर ज़रूर गौर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।